व्हाट्सअप गाइस, कल की मूवी अगर आपने देख ली है तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसके अंदर हम पोस्ट क्रेडिट सीन जो था उसके ऊपर बात करेंगे, बहुत कुछ पता लगेगा उसके बारे में, और साथ ही साथ एंडिंग देखी है वो उठ के मत चले जाना एकदम से, एंडिंग एक्सप्लेन हुई है इस मूवी के अंदर भी, तो इंटरेस्टिंग रहेगी पीजी एक्सप्लेन चैनल से। और भाई अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी मूवी जरूर बताना, और सुनने में आ रहा है कि अगले साल ही इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा या 2026 के स्टार्टिंग में ही 60% शूटिंग हो भी चुकी है। करते वीडियो एंजॉय, 1 2 3 गो। तो गुड लोग, कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी कल की 2898 एडी रिलीज होने के बाद हमारे पास कई सारे सवाल हैं। एंड में क्या हुआ, सुप्रीम यास्किन को क्या हुआ, कौन कल की कौन कली, कर्ण का क्या होना है, एंड आज हम उन्हीं सारे विषयों के ऊपर विचार से अपने विचार स्पष्ट करेंगे, और ये भी समझेंगे कि नाग अश्विन ने अपने आने वाली मूवीज कल की पार्ट 2-3 की जगह इसे कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम क्यों दिया। जहाँ पे भाई फर्स्ट ऑफ लेट्स रैप अप विद द एंडिंग, जहाँ पे भाई क्लाइमैक्स का जब एक्शन शुरू होता है तो भैरव अश्वत्थामा की भेस बना के अश्वत्थामा से लड़ता है, एंड ऑब्वियसली अपने अश्वत्थामा ही ओरिजिनल वाले जीतते हैं। वो बुजी वाली अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है, एक ट्रांसफॉर्मर्स टाइपिश टाइटन आयरन बनता है जो कि एक गोरिल्ला की फिजिकैलिटी रखता है, एंड फिर उनसे उनकी लड़ाई होती है। तभी कमांडर मानस फोर्स फील्ड तोड़ के शंबाला के अंदर आ जाते हैं, उनकी लड़ाई शंबाला के लोगों से चलती रहती है। जहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि अश्वत्थामा मानस की आर्मी से नहीं लड़ते हैं, वो एंड में वो उन पे अपने टैक्स से अटैक करके उन्हें जकड़ लेता है। खैर, भैरवा का भाई सबसे बड़ा चेंज हमें तब नजर आता है जब सुमति को वो भाई ब्रिज पे गिरने से रोक लेता है और वो खुद कूद जाता है उसे पकड़ने के लिए, बचाने के लिए। एंड जैसे कि हमें लगता है जैसे किसी टिपिकल मूवी में होता है कि अश्वत्थामा उसे बचाने के बाद उसे थैंक यू बोलेंगे कि कैसे हार्ट ऑफ चेंज हुआ, पर नहीं, अश्वत्थामा उसे एक ऐसा पंच मारते हैं कि भैरवा का कैरेक्टर तो उसके बाद उठता ही नहीं है। जिसके बाद कमांडर मानस अश्वत्थामा से सुमति को छीन के ले ही जा रहे होते हैं कि तभी शंबाला की उस जलते हुए पेड़ से उस पहली और आखिरी लीफ का टूट के अश्वत्थामा की उस लाठी पे गिरना, जिसके बाद वो आगे चल के वो लाठी भैरवा के हाथों में जाती है, जिससे अश्वत्थामा की बताई हुई कहानी सच का रूप लेती है कि कैसी ही उनकी लाठी एक्चुअली में एक धनुष है, विजय धनुष उनके फ्रेंड कर्ण का, और उनकी मृत्यु के बाद अश्वत्थामा उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। खैर, भैरवा का कर्ण में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही जस्ट अनाइलेटेड द सीन, अलग ही भाई सोलो बचा भी लेते हैं धनुष, जो की भाई उनकी लाठी थी उसे फुल थ्रॉटल में पावर में भी लेके जाते हैं, और उसी से वो कमांडर मानस को भाई खत्म भी करते हैं। अश्वत्थामा को भाई महसूस हो जाता है कि भाई उनका ओजी फ्रेंड वापस आ गया, जैसे उन्हें पास में एक बार बचाया था, उसके भी हमें आगे चल के ग्लिम्पसेस देखने को मिलते हैं। मगर तभी ये सारे मोमेंट्स खुशी के कुछ क्षण ही थे। भैरवा की कॉन्शियसनेस सुमति को बचाने के बाद अचानक से वापस आ जाती है, जहां अश्वत्थामा बहुत कोशिश करने के बाद भी भैरवा को बुज्जी के फ्लाइट सिमुलेटर के साथ सुमति को वो बचा नहीं पाते, वो भैरवा सुमति को पकड़ के भाग ही जाता है। जिसके बाद हमें महाभारत का फाइनल सीक्वेंस हमारे सामने देखने को मिलता है कि भाई प्रभास कैसे कर्ण के रूप में अश्वत्थामा को फिर से बचाते हैं, जो कि भाई प्रेजेंट की टाइमलाइन को दर्शाते हुए दिखाता है, एंड वो पूरा मोमेंट काफी बैडएस था। आई मीन कोई भी मिस नहीं करते, एंड मूवी कट टू ब्लैक हो जाती है वहां से, एंड फिर हमें एक डिसॉल्व ट्रांजिशन में कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हिंट देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड भी होता है, बट खैर मूवी बहुत ही हाई टोन पे एंड होती है। एंड वहीं थोड़े से कुछ क्रेडिट्स के बाद ही हमें कमल हसन का मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिवील था कि कहानी का मेन विलन क्लियर यहां से हो जाता है, एटलीस्ट कह सकते हो फेज वन का। खैर, उसका भी एक रीजन है, बात समझने के लिए पहले ये बात जानो कि भाई अपने मिड क्रेडिट में जब काउंसलर बानी हार के बाद यास्किन को बताते हैं कि वैसे वो सुमति से निकाले हुए बस एक ड्रॉप सिरप को ही भाई बचा पाए हैं, जो यास्किन को इतनी पावर देता है कि उसकी पूरी बॉडी पीक में आ जाती है। आई मीन उसके सिर पे वो स्टिचेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पर उसकी बॉडी पूरी बल्क हो जाती है, एब्स आ जाते हैं, बहुत पावर आ जाती है, मतलब ये बंदा लिटरली स्टेरॉइड्स पे आ जाता है। आयरनी देखो कि वो स्टेरॉइड्स भी उसे जैसे कि भाई उसकी डिमांड ही थी। बाकी बॉडी बनाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब मैं कंपटीशन में उतरूंगा, काउंसलर बोलता भी है कि बहुत बड़ी शक्ति आने वाली है, एंड मैं आपको वो सुमति को लाकर दूंगा, लेकिन यास्किन तब थैनोस मोड में आ चुका होता है कि नहीं रहने दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा, अब मैं उसके पीछे जाऊंगा। एंड जैसे ही वो अपनी रिसेंटली डिस्कवर्ड धनुष गांधीव को उठाते हैं, वो एक परिच्छेद बोलते हैं, मगर उससे पहले उस धनुष के बारे में जान लेते हैं। वो धनुष ब्रह्मदेव ने बनाया था, जिसको मूवी के महाभारत के सीक्वेंस में अर्जुन के हाथों में देख ही सकते हैं, मतलब कि वो एक तरीके का गॉड किलर टाइप वेपन है, इम्पॉसिबल है, और वो भगवान तक को हरा सकता है, एंड वो यास्किन के पास अब प्रेजेंट टाइमलाइन में आ चुका है। गांधी को धारण करने के बाद जो परिच्छेद यास्किन बोलता है वो है, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में वो बस प्रलय साथ लाएगा, तरतराती धरती माँ के कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, युग एक नया आएगा,
और फिर कट टू ब्लैक कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में हमें इशारा वो करते हैं, क्योंकि भाई अभी कली युग चल रहा है और उसके बाद सतयुग आना है। एंड अगर उस परिच्छेद को लिटरल लिटरल मीनिंग में अगर हम ले तो भाई कली तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कली युग खत्म हो और सतयुग आए, बट मेटाफोरिकली इट ऑल्सो होल्ड्स वन मोर मीनिंग कि कैसे मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि कैसे 6000 साल पहले आसमान में एक ऐसा नक्षत्र बना हुआ था जिसे आखिरी बार महाभारत के समय में देखने को हमें वो मिला था। एंड कल्कि भगवान के जन्म के दौरान अब वो सेम नक्षत्र देखने को मिलता है। एंड ये बात काउंसलर भी बोलते हैं कि 6000 साल में ये नक्षत्र एक बार आता है, खड्ग अश्विनी नक्षत्र। एंड यही टाइमलाइन है कि गॉड को मिस नहीं करनी है जन्म लेने के लिए, अवतार लेने के लिए, वरना नेक्स्ट 6000 साल के बाद ही उनका ये अवतार आ पाएगा और फिर तब तक कलयुग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट इट लुक्स लाइक कि भाई भगवान इसमें जन्म ले ही लेंगे, ये वाली मूवी में नहीं हुआ तो भाई नेक्स्ट में तो हो ही जाएगा। भैरवा सुमति को लेकर भाग जरूर गया है, बट आई डोंट थिंक कि वो भाई अपने रेवलेशन के बाद जो कुछ भी उसने महसूस किया या फिर बुजी ने भी जो कुछ देखा होगा उसने रिकॉर्ड तो किया ही होगा। हमने देखा भी हुआ है कि भाई वो अपनी अश्वत्थामा की लड़ाई के साथ में जब बाद में वो अपने बुजी को इम्प्रूव कर रहा था तो वो कैसे अश्वत्थामा की फाइट्स की रिकॉर्डिंग में रखा हुआ था। तो मे बी आगे चल के वो भैरवा को जरूर दिखाएगा कि उसे हो क्या गया था। उसके बाद भैरवा सुमति को यास्किन के पास मे बी शायद के जाए जब वो डेलिमा में फंसा रहेगा, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से सौंप तो नहीं पाएगा, वो अंदर से अच्छा इंसान है। एंड ऑब्वियसली भाई उसके अंदर जो कर्ण की कॉन्शियसनेस है वो भी समय समय पे उसे पास करने से रोकेगी भी। जब भाई वो सुमति को उस मोमेंट पे लेकर भाग इसलिए गया क्योंकि भाई वो मौके की नजाकत बहुत अच्छी थी कि भाई उसे ये मोमेंट नहीं मिलता अश्वत्थामा से बच के लेकर भागने का सुमति को, तो वो लेकर भाग तो गया लेकिन आई डोंट थिंक वो यास्किन को सौंप ही देगा उसे। एंड पीछे से भाई अश्वत्थामा भी पूरा तो ट्राई करेंगे कि भाई भैरवा में कर्ण को फाइनली जगा सके क्योंकि भाई वो फाइनली उनका दोस्त था एंड उन्होंने यही बॉडी क्यों चूज करी वो कॉन्शियसनेस दोबारा से जगाने के लिए। एंड वो नेक्स्ट मूवी में साथ होकर जरूर से लड़ेंगे। जिसके बाद अब यहाँ पे यह बात जरूर से है कि भाई यास्किन का जो फॉर्म हमें देखने को मिलता है, एडिशनली उसके जो हाथ हमें देखने को मिलते हैं वो सीधे सीधे तौर से दर्शाते हैं कली की ओर और कुछ भी नहीं हो सकता। आई मीन कमल हसन को बिल्ड करने का क्या ही मतलब होगा अगर वो कली ना हो इस यूनिवर्स के, वही है बिग डैडी, यह मेरा मानना है, मेरे सारे बेट्स उन पे हैं। एंड ये बात सिर्फ एंड में हाथों को देखकर ही क्लियर नहीं होती। आई मीन यार लोग अपना लोर भी बताते हैं कि 200 साल से वो जिंदा राक्षस है, मतलब कि 200 साल पहले से लोग जानना उसके बारे में शुरू किए हैं, एग्जिस्ट तो वो बहुत पहले से कर रहा होगा, मगर फुल ऑन पब्लिक एग्जिस्टेंस उसने अपनी 200 साल पहले से बनानी शुरू कर दी होगी। इसका भी पास से कुछ कनेक्शन तो उसके पास तो बहुत पहले से होगी, बस वो यूज नहीं कर रहा होगा। और उसके बाद कहना भी है कि भाई मैंने तो सेव किया है लोगों को, ऐसा यास्किन का कहना है, एक छतरी के नीचे सबको लेकर आया है, मगर भाई वो भगवानों की पूजा नहीं करने देता क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसके राज में भगवानों की पूजा होगी तो वो कमजोर होने लगेगा एंड काफी एडिशनल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लोग उसे राक्षस के तौर पर भी जानते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, वो साइंटिस्ट पे जब चिल्लाया था तो उसके आवाज में एक डिमोनिक प्रेजेंस भी हमें देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी, जो कि भाई दिखाता भी है कि भाई उसके अंदर कुछ है जो कि पूरे पूरे तौर से एक्टिवेट नहीं हुआ है या फिर आना नहीं चाहता है, बहुत कुछ पा रहा है। भाई अपनी थ्योरी यही है कि क्लोजअप शॉट्स कमल हसन निकली है जो इस यूनिवर्स के बिग डैडी मेन विलन को प्ले करने वाले हैं, क्योंकि और कोई एंशिएंट मॉन्स्टर का सेंस क्या ही बनता है, कली का कोई पूर्वज, लेगेसी, एसेंस, या फिर भाई ये हम मान के चले कि कमल हसन इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अभी फेज वन के विलन है, क्योंकि फिर जब भविष्य में हमें कल की बड़ा होते हुए नजर आएगा तब हमें कोई और ओरिजिनल कली देखने को मिलेगा। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? जहाँ पे भाई अब यास्किन के पास वो गॉड किलर वेपन है गांधेव, तो भाई उसे रोकना नियर इम्पॉसिबल ही है। जिसका एक ही आंसर है कि उसे रोका कैसे जा सकता है, वो है कर्ण, जो कि भैरवा के थ्रू ही पॉसिबल है। जब उसके अंदर भाई कर्ण की कॉन्शियसनेस आती है तभी वो वेपन को एक्टिवेट भी कर पाता है। और महाभारत वाले सीक्वेंस में हमने देखा भी है कि गांधेव को अगर कोई टक्कर दे सकता है, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई टक्कर दे सकता है तो भाई वो खुद कर्ण ही है, जिसके पॉसिबल होने के लिए भैरवा को होना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ भाई उनकी हेल्प अश्वत्थामा भी करेंगे, ऑब्वियसली वो उनके फ्रेंड है, जो कि भाई मित्र होने के नाते मैं वो डुओ को साथ में लड़ते हुए एंड साथ में दुनिया को बचाते हुए जरूर से देखना चाहूंगा। तब तक मूवी में और भी चिरंजीवी एडिशनल आ जाएं हेल्प करने के लिए, हु नोस हमारे लिए क्या क्या पैक करके रखा है अपने नागश में। क्या अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है हमारे पास कि क्या
कल की 2898 AD पार्ट 2 या 3 देखने से पहले हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ और भी मूवीज देखने को मिलने वाली हैं जो चिरंजीवी हो या फिर बाकी कैरेक्टर्स पे फोकस हो, जस्ट लाइक कल की मूवी एज एवेंजर्स रूप में तुम उसे मान लो, एंड बीच बीच में सोलो मूवीज उन कैरेक्टर्स के बिल्डअप के बारे में होगी, जैसे कि चिरंजीवी उसके बारे में होगी जो कि भाई उस गैप को फिल करेगी ताकि जब हमें कल की में सारे चिरंजीवी देखने को मिले तो बेटर कनेक्ट हो पाए, जो कि भाई यही सोचने वाली बात है कि नाग अश्विन ने कहीं इसीलिए ही तो नहीं अपने मूवी के आखिर में कल की पार्ट 2, 3, 4 बोलने की जगह इसे डायरेक्ट कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स घोषित किया है कि ये सिर्फ कल की मूवीज ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की मूवीज है जिसमें आपको कई सारे किरदार देखने को मिलेंगे एंड ये कहानी मिलेनिया तक एक्सटेंड करेंगी। बाकी तुम बताओ, तुम ऑडियंस हो, तुम क्या देखना पसंद करोगे? चिरंजीवी के ऊपर पहले सोलो मूवीज देखना पसंद करोगे जो कि आगे कल की मूवीज में कनेक्ट होगी, उस तरीके से ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, कल की पार्ट 2, 3 से ही खुश हो एंड सीधे स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हो? बाकी तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुमने क्या डिटेल्स थ्योरीज नोटिस की जो तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट करती। देखो, सुनने में जो बात आई अभी तक ये आई है कि 60% शूटिंग हो चुकी है कल की आगे वाले पार्ट के लिए, तो वो कल की 2 आएगा या वो पर्टिकुलरली जो चिरंजीवी है उनके ऊपर बेस्ड है कि पहले वो, ये इंटरेस्टिंग चीज रही कि जब जन्म होगा ना कल की का, ठीक है, कल की जी का, तो उस टाइम पे सातों चिरंजीवी को मिलके कली उनका साथ देना पड़ेगा तभी मतलब जीत पाएंगे साथ में मिलके, अकेले कल्कि जी जो है वो नहीं जीत पाएंगे इस युद्ध को, तो सात चिरंजीवी जो बोला जाता है कि आज भी जिंदा है ऐसा बोला। अगर मुझे लगता है अगर उससे पहले वो भी आ गए तो भाई कौन नहीं जाना चाहेगा देखने के लिए, क्योंकि अब आप तो कल्कि के पार्ट बन चुके हैं, आपके अंदर वो मूवी के वो चीज हो समा गई है मूवी, आप अपना एक अलग वो माहौल क्रिएट कर रहे हो उसके, अरे अब वो आएंगे तो क्या होगा, वो आएंगे फिर क्या होगा, फिर जब मान लो सिनेमेटिक यूनिवर्स में सोलो मूवीज आ जाएंगी उसके बाद जब कल की 2 आएगी अगर, तो लोग रहेंगे यार क्या इस मोड पर आएगा कोई चिरंजीवी बचाने के लिए। एवेंजर्स में भी हर एक उसकी ना एवेंजर की एक अलग स्टोरी अलग भी है, अलग स्टोरी भी है, थॉर की अलग चलती है, स्पाइडरमैन की अलग चलती है, आयरन मैन की अलग है, इंटरेस्टिंग रहेगा, आई एम एक्साइटेड। और भैया देखो, कोई सोलो आए या कल की 2 आए, मैं तो टिकट बुक करनी, क्योंकि अब इस चीज को तो हम मिस कर नहीं सकते, जैसे अब KGF के लिए हम हो चुके हैं, सलार के लिए हो चुके हैं, हमें जाना है और देखनी ही है, वही पहला पॉइंट है। और इस मूवी में मुझे लगता है कि जो क्लोजअप शॉट्स लिए गए ना, जो कमल हासन सर का कैरेक्टर है, बहुत स्केरी है, वो तो ट्रेलर में ही बहुत स्केरी लग रहे थे, सिनेमा हॉल में देखते बोला ना नया युगा, हल्का सा कपकपापन, हल्का सा बिल्कुल क्लोजअप, ओ भाई मस्त, एक नंबर। और जो ओवरऑल एक जो सेटअप क्रिएट किया है पूरे यूनिवर्स का, मस्त लग रहा है मेरे को, जैसे वो देखना कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, नीचे की जिंदगी कैसी है, भाई बहुत मतलब पैसा वसूल मूवी है, अभी भी नहीं देखी तो जरूर देखना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।